और करण जौहर जी, आवाज नहीं करने का, ठीक है, पब्लिक से आवाज नहीं करने का। जो आज करण जौहर आप बने हो ना, इन्हीं की वजह से बने हो, वरना कोई जानता कौन था, दिल बहादुर नहीं ले जाएंगे, किसी को पता ही नहीं था कि आप यश जौहर के बेटे हो, ठीक है। दोस्तों आज मूवी एक रिलीज होने वाली है, ब्रह्मास्त्र, आप लोगों को पता है 9 सितंबर को रिलीज होने वाली है अयान मुखर्जी की मूवी ब्रह्मास्त्र। और उस मूवी के लिए हर जगह लोग प्रमोशन कर रहे हैं, चाहे वो करण जौहर हों, आलिया भट्ट हों, रणबीर कपूर हों एंड अयान मुखर्जी हों एंड बिग बी अमिताभ बच्चन हों, लेकिन ये लोग कुछ ओवर बोल रहे हैं। करण जौहर ने बोला है एक इंटरव्यू में अपने कि जिसको मन कहे वो फिल्म देखे और जिसका दिल ना करे तो वो ना देखे। तो करण साहब, आपको पता है इससे पहले तापसी पन्नू ने भी ऐसी कुछ वर्ड किया था, उनका क्या हाल हुआ था आपको पता है। पब्लिक को प्लीज़ चैलेंज मत करना, ठीक है, वैसे भी बॉलीवुड के नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो सो प्लीज़ अपनी अकड़ को अपने जेब में रखिए लोग। ये पब्लिक अगर आपको सर बैठा भी रही है तो सर से नीचे भी उतार सकती है, ठीक है, ये पब्लिक है, आप इनसे हो, वो आपसे नहीं है। मतलब एक चीज़ ये है कि फिल्म बनाने के बाद आप सामने चैलेंज भी करो कि जिसको, मतलब आप इतनी बेस्ट मूवी है बॉलीवुड बना रहा है आजकल माशाल्लाह, कि आप लोग को इतना एटीट्यूड अपने अंदर है कि जिसको मन करे वो देखे, जिसका, अरे यार पब्लिक कह दे कि हम नहीं देखेंगे, फिर आपका क्या होगा, दो बार तीन बार आप आ जाओगे लाइन पर, ठीक है, फिर रिक्वेस्ट करोगे कि सर प्लीज़ मेरी फिल्में देख लो। अमिताभ बच्चन भी ओवर बोल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड के वैसे भी नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो सो प्लीज़ अपनी ज़बान को लगाम दीजिए और पब्लिक से पंगा मत लीजिए। ये पब्लिक से पंगा लोगे तो आपको पब्लिक नंगा भी कर देगी, और वैसे भी आपके नक्षत्र तो सुशांत सिंह राजपूत से ही ख़राब चल रहे हैं, और आपके वजह से ही पूरे बॉलीवुड को भोगना पड़ रहा है। अब ऊपर वाला जाने की मैटर क्या है, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं अयान मुखर्जी, उन्होंने तो कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद ये बोल रहे हैं कि आप लोग फिल्म देखने जाइए। रणबीर कपूर ने भी यही कहा है कि आप वो मूवी देखिए, और जिससे मिल रहे हैं दिल से मिल रहे हैं, खुल के मिल रहे हैं, प्यार से मिल रहे हैं, लेकिन आलिया भट्ट हैं जो मुँह फट हैं वो बोल देती हैं, और करण जौहर साहब जो है अपने आप को पतन कौन सा बड़ा है, उनके अंदर सुरखाब के पर लगे हुए हैं, वो परी वाला जानता है कि इतना होने के बावजूद उनकी अकड़ अभी नीचे नहीं आई है, अभी झुकझुक जियो क्या हाल हुआ उनको पता ही है। तो आप लोगों को बता दूँ, ब्रह्मास्त्र जो है 9 सितंबर को रिलीज होने, ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद दो पार्ट और आने बाकी हैं। और अयान मुखर्जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जो 10 साल से ये बनाने की कोशिश में थे, बट कोई फाइनेंसर इनको नहीं मिल रहा था उस हिसाब से, तो ये फिल्म डीले पर डीले होती चली गई। बट बाय द वे अब जाके इनका ये मिशन जो है ये पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि इनको प्रोड्यूसर मिल गया। तो आप लोग प्लीज़ अपनी ओवर चीज़ों को ना अपने जेब में रखिए, क्योंकि ये पब्लिक है, अगर आप इनसे प्यार से बात करोगे तो ठीक है, अगर आप ज़रा से टेढ़ी बात करोगे तो फिर सोच लो ये आपका अंजाम क्या करेंगे। इससे पहले आने वाली जितनी बॉलीवुड की फिल्में उनका आप हश्र देख ही सकते हो, पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे शमशेरा हो, चाहे जयेश भाई जोरदार हो, चाहे 83 हो, जितनी मूवियाँ आई हैं बुरी तरह फ्लॉप हुई, अभी लेटेस्ट आई लाल सिंह चड्ढा हो एंड रक्षाबंधन हो, तो आपको पता है इन लोगों का क्या हश्र हुआ है, पब्लिक ने डायरेक्ट इनकार कर दिया है। और तापसी पन्नू ने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की थी, हमारी फिल्म भी बॉयकॉट करो, बॉयकॉट ले पुं हो गया ना बॉयकॉट, अब दोबारा आप नहीं कहेंगी दोबारा फिल्म के लिए, अब दोबारा आप नहीं कहेंगे कि मेरी फिल्म को बॉयकॉट करो, यार पब्लिक से पंगा मत लेना, ठीक है, इनसे जरा। मैं यही कह रहा हूँ कि बॉलीवुड के नक्षत्र जो हिसाब से ख़राब चल रहे हैं, जितनी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, तो आप लोगों को अब पब्लिक को मिलाना होगा, ना कि उनसे आप ऐसा कोई कमेंट करें जिससे पब्लिक और ज़्यादा आप पे हाई करो, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों ये मूवी जो है 9 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है, इसका 3 पार्ट आने वाला है, फर्स्ट पार्ट तो 9 सितंबर को रिलीज़ होगा, और ये फिल्म आने वाली फिल्मों के बारे में तय करेगा उनका कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, ओके टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।